जी, तो फिश रोल के लिए बैटर तैयार करना है तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ड्राई मिल्क डाल देंगे। ये डो मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ कैसे बनेगी। 1 टेबल स्पून शुगर है चीनी, 1 टीस्पून नमक ये ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून ईट्स और इसमें मिलाएंगे नीम गरम पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फिर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। बटर मेल्ट हुआ हुआ बटर ऐड कर देंगे और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसे भून लेंगे। जितनी नरम आपकी डो होगी उतना ही सॉफ्ट आपका रोल बनेगा। तो ये देखें इतना सॉफ्ट है, इसके बटर डाल देंगे अच्छे से सारी जगह लगाकर। इसे कवर करके रख देते हैं 2 घंटे के लिए। डो जब तक तैयार होती है हमने फिश को रख दिया है स्टीमर में और इसे कर लेंगे हम अच्छे से स्टीम। यहाँ पैन में मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल ले लिया है। इसमें डाल रहे हैं 1 छोटी कटी हुई प्याज, साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ बंद गोभी कटी हुई। आपके टेस्ट पर है और आपकी मिकदार पर है कि आप कितना बनाना चाह रहे हैं। मैं 1 रोल बना रही हूँ, लेंगे साथ ही हरी प्याज। हरी प्याज को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर काली मिर्च ये ऐड कर देंगे। इसके साथ में इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक पाउडर, आप चाहें तो फ्रेश वाला भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पाउडर डाला है, अगर फ्रेश डाल रहे हैं तो फ्रेश भी आप 1 टीस्पून ही डालेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स कुटी हुई मिर्चें ये ऐड कर देंगे। इसमें ऐड कर देंगे फिश, स्टीम दी। स्टीम देने के बाद हमने इसमें से सारे कांटे निकाल दिए हैं और इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये हो गया है डन। अब चलते हैं डो की। यहाँ डो ले ली है हमने और इसको हम हल्का सा बेल लेते हैं, तो हम इसे बेल लेते हैं। ऐसे हमने इसे बेल लिया है और अब फिश का बैटर हम इसके सेंटर में रखेंगे और इसको हमने करना है रोल ऐसे। पहले यहाँ से पूरा ऐसे पैक कर देंगे और फिर इसको दोबारा से ऐसे टर्न कर लेंगे। पूरा रोल हमारे पास ऐसे रेडी है। मैंने इसे ऐसे ट्विस्ट करके रखा है, आपको जैसे पसंद है आप वैसे डिज़ाइन बनाइए। अब इस पे बटर ब्रश कर देंगे, अब इस पे वाइट तिल लगा देंगे और अब इसे मैं ओवन में रख रही हूँ 25 मिनट्स के लिए। जी फ्रेंड, तो फिश रोल बिल्कुल रेडी है और बहुत देखने में यमी लग रहा है, तो इसे यहाँ से कट करते हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है, बहुत नरम बना है, बहुत ज़्यादा नरम। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना, आउट क्लास। तो ज़रूर बनाएं और कीजिए बहुत सारा इंजॉय। साइमा को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।